न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 7 शराब दुकानदारों पर कार्रवाई, बारहवीं की छात्र ने की आत्महत्या, नासिक में कोरोना का विस्फोट। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नए साल के मौके पर शराब बेचने का मोह रखने वाले शराब व्यवसायियों को काफी महंगा पड़ा है। शराब खरीदने के लिए कोरोना नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों की भीड़ जुटाने वाले दुकानदारों के खिलाफ दंड लगाया गया है। इन दुकानदारों से 56,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर की रात महानगर पालिका और प्रशासन ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा रखा था। कोरोना नियमों का सख्ती के साथ पालन करने के आदेश दिए गए थे। इसके तहत महानगर पालिका आयुक्त ने विभाग के ठोस कचरा विभाग को ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके अनुसार पूर्व सफाई विभाग के इंस्पेक्टर सुनील शिरसाठ के मार्गदर्शन में तैयारी की गई। 31 दिसंबर की रात पूर्व विभाग के कई भागों में कार्रवाई की गई। 5 वाइन शॉप और 2 होटल पर कार्रवाई कर 56,500 रुपए का दंड वसूला गया। 5 वाइन शॉप के सामने शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक जमा हुए थे। अगली खबर, कुछ दिन पहले नासिक के नंदुरबार जिले की गढ़गांव तालुका के हाथदुई में एक आश्रमशाला में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। 5 दिनों तक लापता रहने के बाद स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ से फांसी लगी अवस्था में उसका शव बरामद हुआ था। आश्रम स्कूल की लड़की की आत्महत्या का यह मामला अभी ताजा ही था कि अब नासिक के एक आश्रम स्कूल के छात्र ने आत्महत्या कर दी। नासिक जिले के सुरगाना तालुका के शिंदे दिगर के गिरिजा देवी प्राथमिक आश्रम स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली है। यह लड़की शनिवार को सुबह 6 से 7 बजे के बीच भोजनालय के पास नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लड़की का नाम अनिता मनोहर भोये है, वह 5वीं में पढ़ती थी। अगली खबर, नासिक जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से विस्फोटक होता जा रहा है। अब इस संक्रमण ने शिक्षण संस्था में दस्तक दे दी है। शहर के केवीएच दंत विज्ञान कॉलेज के 27 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह जानकारी मेडिकल विभाग के अधिकारी ने दी है। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस बीच जिले के स्कूली बच्चों की कोरोना रिपोर्ट में कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। करीब 2 साल बाद शिक्षण क्षेत्र फिर से पटरी पर लौट रहा था कि इसी बीच ओमिक्रॉन का नया संकट सामने आ गया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।